गुड मॉर्निंग क्लास। होप कल आपको ब्रैकियल प्लेक्सस का पूरा लेक्चर समझ में आया, मैंने जो जो बताया। एंड आज मुझे ये बताना था कि आपका ब्रैकियल प्लेक्सस बनता कैसे है, ब्रैकियल प्लेक्सस से और कौन सी नर्व्स निकलती हैं, और कौन सी नर्व कौन से मसल को सप्लाई करती है। तो लेट अस कंटिन्यू एंड हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ब्रैकियल प्लेक्सस बनता कैसे है। अच्छा, टू ड्रॉ ब्रैकियल प्लेक्सस बहुत इजी टेक्निक है। सबसे पहले आप एक वाई बनाओगे, उसके बाद एक आई बनाओगे, और उसके बाद एक और वाई बनाओगे। ठीक है, अब ये वाई बनाने के बाद वाई जहाँ से डिवाइड हो रहा है वहाँ पर आप एक लाइन खींच दोगे। ये आपकी लाइन खींच गई, यहाँ पर आप एक लाइन खींच दोगे। जहाँ से ये आपने वाई डिवाइड किया है उसके जस्ट नीचे से आप एक और लाइन खींचोगे। ये आपने दूसरी लाइन खींच दी। अब दूसरी लाइन खींचने के बाद थोड़ा सा और नीचे से आप एक और लाइन से इन लाइनों को डिवाइड कर दोगे। ये आपने डिवाइड कर दिया। अब ये डिवाइड होने के बाद जो पहला कॉलम बनेगा इसमें आप एक एक्स बना दोगे, जो दूसरा कॉलम बनेगा इसमें सिर्फ एक डायगनल लाइन खींचोगे। अब डायगनल लाइन खींचने के बाद ये जो फर्स्ट एंड बचा है यहाँ से आप एक यू बना दोगे, फिर जो दूसरा है एंड यहाँ से भी आप एक यू बनाओगे, और यहाँ से भी तीसरे वाले एंड से भी आप एक यू बना दोगे। ये आपके तीन यू बन गए, और ये आपका ब्रैकियल प्लेक्सस का बेसिक स्ट्रक्चर विदाउट लेबलिंग तैयार है। अब इसमें आप लेबलिंग कैसे करोगे? सबसे ऊपर मैंने बताया था सर्वाइकल के होते हैं, तो C5, C6, C7, C8 एंड T1, ये हो गया आपका सर्वाइकल की लेबलिंग। सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था आपकी रूट्स होती हैं, तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ये आपका रूट बनेगा। उसके बाद ये जो सेकेंड वाला पार्ट है, जो आपने ये पतला वाला डिवाइड किया ये वाला, ये आपका ट्रंक बनेगा। ये हो जाने के बाद ये वाला जो पार्ट है ये बड़ा वाला, ये आधा डिवीजन बनेगा, जहाँ पे आपने एक्स बनाया था और एक डायगनल लाइन खींची थी, ये आपका डिवीजन बन जाएगा। डिवीजन के बाद जो ये पार्ट बच रहा है यहाँ पे, ये आपका कॉर्ड बन जाएगा, और फिर लास्ट में ये जो लीचे बची हुई हैं ये आपकी ब्रांचेस बन जाएंगी। तो ये हो गया आपका ब्रैकियल प्लेक्सस तैयार। एक वाई, फिर एक आई, फिर एक और वाई, फिर जहाँ से वाई बना है वहाँ से एक डिवीजन, उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा नीचे से एक और डिवीजन, फिर थोड़ा सा ज़्यादा गैप देके एक और डिवीजन, फिर सारी एंड्स पे एक एक यू, फिर जो कॉलम बना था पहले कॉलम में एक्स, दूसरे कॉलम में सिर्फ डायगनल, फिर ऊपर वाला जो पार्ट डिवाइड किया था वो रूट, उसके बाद जो पार्ट डिवाइड किया था वो ट्रंक, उसके बाद वाला पार्ट डिवीजन, उसके बाद वाला पार्ट कॉर्ड, और फिर ब्रांचेस। तो ये तो हो गया आपका ब्रैकियल प्लेक्सस बेसिक जो अभी तक आपने पढ़ा था। अब इसमें आपको आपकी नर्व्स मार्क करनी है। तो अब हम नर्व्स कैसे मार्क करेंगे? जो C5 नर्व है यहाँ से एक पहली छोटी सी नर्व निकलती है जिसको हम नंबर 1 मार्क करेंगे, और नंबर 1 नर्व आपकी होती है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। इसके बाद यहीं पर यहाँ दूसरे वाले C6 से आपकी दूसरी नर्व निकलती है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ये हो गया। अब इसके बाद ये जो ट्रंक का पार्ट है यहाँ से एक तीसरी नर्व निकलती है जिसको हम बोलते हैं नर्व 2 सबक्लेवियस। सबक्लेवियस आपकी एक बोन मसल है, सबक्लेवियस। फिर यहीं थर्ड के जस्ट नीचे से एक और मसल निकलती है जिसको हम मार्क करेंगे 4,
नर्व निकलती है। ये फोर्थ वाली आपकी है सुप्रा स्कैपुलर नर्व। फिर ये वाला जो पार्ट है इसमें से पांच नर्व्स निकलती हैं जिसको हम मार्क करेंगे फाइव। एंड फाइव आपका है ये पोस्टीरियर कॉर्ड जिसमें से आपकी पांच नर्व्स निकल रही हैं। अब ये पांच कौन कौन सी नर्व है? पहली है अपर सबस्कैपुलर नर्व, दूसरी है लोअर सबस्कैपुलर नर्व, तीसरी है थोराकोडोर्सल नर्व। फिर चौथी है आपकी रेडियल नर्व एंड पांचवी है आपकी एक्सिलरी नर्व। तो यहाँ पे इसको हम मार्क भी कर लेते हैं। इसमें से पांच में से तीन मसल, तो यहाँ से ये तीन नर्व्स निकल जाती हैं, बची हुई दो जो होती हैं एक यहाँ जाती है एक यहाँ जाती है, जिसमें से एक आपकी है एक्सिलरी नर्व और दूसरी है आपकी रेडियल नर्व, मैंने अभी नीचे बताया। ठीक है, ये हो गई आपकी पांचवी। अब छठवीं नर्व हमारी यहाँ से निकलती है, यहाँ से भी फिर से पांच नर्व्स निकलती हैं जिनमें से तीन यहाँ होती हैं और दो यहाँ निकलती हैं, तो इसको हम मार्क कर देंगे सिक्स। तो हमारी सिक्स वाली है मीडियल कॉर्ड, जिसमें पहली नर्व है क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, सेकंड है क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, तीसरी है पेक्टोरल नर्व, चौथी है मीडियन नर्व और पांचवी है अल्नर नर्व। तो ये भी हमारी पांच नर्व हो गई, जिसमें कि तीन यहाँ पे निकली थी, एक हमारी थी मीडियन नर्व और एक हमारी थी अल्नर नर्व। अब इसमें एक नर्व बची है जो ये वाली है, इसको हम बोलते हैं मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। अब कल मैंने आपको बताया था कि इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉर्ड्स भी होते हैं, तो अब इनकी लेबलिंग आप कैसे करोगे? ये जो पहला वाला है ये एंटीरियर होगा, ये वाला, उसके बाद ये जो दूसरा है ये पोस्टीरियर होगा, फिर ये जो तीसरा है ये फिर से एंटीरियर होगा, फिर ये जो चौथा है ये फिर से पोस्टीरियर होगा, उसके बाद फिर ये वाला फिर से पोस्टीरियर होगा और फिर ये इधर वाला ये एंटीरियर होगा। उसी तरह से आपके कॉर्ड्स को भी आपने को लेबल करना है, तो पहला वाला हमारा था लेटरल कॉर्ड, बीच वाला हमारा था पोस्टीरियर कॉर्ड और लास्ट वाला हमारा था मीडियल कॉर्ड, और ये आपका ब्रेकियल प्लेक्सस तैयार है बनके। अब हम ये पढ़ते हैं कि कौन सी नर्व कौन सी मसल को सप्लाई करती है। तो अब यहाँ हम पढ़ते हैं बेटा मसल सप्लाइड बाय वेरियस नर्व्स। तो जहाँ जैसे मैंने पहला ये मार्क किया था ये वाला, तो ये आपकी थी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। तो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व आपकी सप्लाई करती है रोम्बाइडस मेजर, माइनर एंड लेवेटर स्कैपुली को। सेकेंड हमने मार्क किया था यहाँ पर लॉन्ग थोरेसिक नर्व और ये सप्लाई करती है सेरेटस एंटीरियर को। तीसरा हमने मार्क किया था यहाँ पर
तो तीसरी आपकी होती है नर्व टू सबक्लेवियस, जो कि सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करती है। चौथा हमने यहाँ पे मार्क किया था ये, तो चौथी आपकी होती है सब स्कैपुलर नर्व, जो कि आपकी सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस को सप्लाई करती है। पांचवी हमने बात करी थी यहाँ पोस्टीरियर कॉर्ड पे, जिसमें से तीन नर्व यहाँ से निकलती हैं और दो यहाँ से निकलती हैं। तो इनकी पांच पोस्टीरियर कॉर्ड की नर्व्स हैं। पहली है अपर सब स्कैपुलर नर्व, लोअर सब स्कैपुलर नर्व, थोराकोडोर्सल नर्व, रेडियल नर्व एंड एक्जिलरी नर्व। अब इनको हम याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं, अल्ट्रा, ULTRA, अल्ट्रा। उसके अलावा अपर सब स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है सब स्कैपुलरिस मसल को, लोअर सब स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है सब स्कैपुलरिस को और टेरिस मेजर को, थोराकोडोर्सल नर्व सप्लाई करती है लेटिसमस डोर्साई को, रेडियल नर्व सप्लाई करती है ब्रैकियो रेडियालिस, सुपिनेटर, ट्राइसेप्स एंड एक्सटेंसर्स ऑफ फोरआर्म, एक्जिलरी नर्व सप्लाई करती है आपकी डेल्टॉइड मसल को और टेरिस माइनर मसल को। नेक्स्ट हमने बात करी थी सिक्स्थ वाले की, जो कि यहाँ पर है ये मीडियल कॉर्ड पे। तो मीडियल कॉर्ड से भी हमारी पांच नर्व निकल रही थी, तीन यहाँ से और दो नीचे, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर। तो मीडियल कॉर्ड से जो पांच नर्व्स निकलती है वो है क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, क्यूटेनियस मतलब होता है स्किन, तो ये आपकी स्किन को सप्लाई करती है। फिर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, ये भी आपकी स्किन को सप्लाई करती है, ये स्किन ऑफ आर्म और ये स्किन ऑफ फोरआर्म को। फिर तीसरी है आपकी पेक्टोरल नर्व, ये आपकी स्टर्नोकोस्टल मसल को, पेक्टोरालिस मेजर को और पेक्टोरालिस माइनर को सप्लाई करती है। फिर आती है आपकी मीडियन नर्व, जो आपने अभी तक पढ़ ली है, तो ये सप्लाई करती है आपके हाइपोथिनार के मीडियल साइड को, इंट्रोशियाई को और फ्लेक्सर मसल ऑफ फोरआर्म को। फिर लास्ट आती है आपकी अल्नर नर्व, जो कि सप्लाई करती है अल्नर पार्ट ऑफ फोरआर्म को और हैंड को। अब ये सिक्स के बाद हमने एक लास्ट मसल की बात करी थी, ये वाली सेवेंथ वाली, तो ये होती है मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। अब हम देख लेते हैं मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व किस नर्व को सप्लाई, मसल को सप्लाई करती है। तो मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है हमारी बाइसेप्स को, ब्रैकियो रेडियालिस को एंड एंड कोराको ब्रैकियालिस को। तो इसको हम याद रखने के लिए ट्रिपल बी मसल्स भी बोलते हैं, बाइसेप्स, ब्रैकियो रेडियालिस एंड कोराको ब्रैकियालिस, ट्रिपल बी मसल या BBC मसल। तो ये हो गई आपकी नर्व सप्लाइड बाय वेरियस मसल्स। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया ब्रैकियल प्लेक्सस। अगर कोई डाउट होगा तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो, एंड थैंक यू वेरी मच।